टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने गिल और अय्यर पर दिया बयान। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को टीम देगी और मौके। दोनों के पास है मैच जीतने की कला। 2 फरवरी से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला। विशाखापट्टनम में होगा दूसरा टेस्ट मैच। वाइजैग में टीम इंडिया का रहा है शानदार रिकॉर्ड। टीम ने खेले हैं 2 मुकाबले और दोनों ही मुकाबलों में टीम को जीत मिली है। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने दूसरे टेस्ट से पहले दी टीम इंडिया को चेतावनी। इंग्लैंड टीम के ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्रॉली ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम पहले टेस्ट की तरह ही आगे भी सीरीज में खेलना जारी रखेगी। बेसबॉल अंदाज में खेलेंगे दूसरा टेस्ट मुकाबला। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि पीसीबी को तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की नियुक्ति करनी चाहिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम का शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 110 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर कायम है। मिचेल मार्श को मिला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान। मार्श ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल हासिल किया। मिचेल मार्श ने अपने करियर में पहली बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लगातार 3री बार जय शाह को चुना अध्यक्ष। बाली में आयोजित हुई ACC की बैठक में ये फैसला लिया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिर नजर आएंगे शोएब मलिक। फॉर्च्यून बरिशाल की टीम में 2 फरवरी से जुड़ जाएंगे। पहले लगा था फिक्सिंग का आरोप, लेकिन फ्रेंचाइजी ने सब बातों को बताया था गलत। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान। श्रीलंका ने 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। विकेटकीपर बल्लेबाज लाहिरू उदारा, तेज गेंदबाज चमिका गुणसेकरा और मिलन रत्नायके का नाम टीम में शामिल।